हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब। माय सेल्फ अभिनय चौधरी, आप सभी का स्वागत है आप अपनी ऑनलाइन क्वेश्चन हब चैनल में। तो जी फ्रेंड, जैसे की बात करें, आप सभी से बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे इस MMHEPU यानी मौलाना मजरुल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन का। तो जी माई फ्रेंड्स, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन शुरू हो गई है। तो चलिए हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं फुल स्टेप्स, फुल प्रोसेस आपको इन सारे कोर्सेज में किस तरह से अप्लाई करनी है, क्या है कि पूरा प्रोसेस, और क्या अभी एडमिशन का अपडेट है आपकी मौलाना मजरुल हक अरबिक यानी MMHEPU यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो सारे जगह जाने के लिए आपको का वीडियो सोशल एक्रांत जो देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस, उसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और ITI और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पर गाइज आपको ITI, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट्स, सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पर। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर मौलाना की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाए, जो कि वेबसाइट है MMHEPU.ac.in। वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर उसको एक बार रिफ्रेश कर लेनी है। ठीक, रिफ्रेश इसलिए करनी क्योंकि यहाँ आपको न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी कि अभी अपडेट आई है आपकी इस मौलाना मजरुल हक अरबिक यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी एडमिशन को लेकर। तो ये देख पर आपको पढ़ने को जा रहा है प्लीज़ क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर PG और MBA। तो सबसे पहले बताते हैं कि एडमिशन नोटिस आई, पहले चलिए ये तो बता दें आपको ना क्या कितने कोर्सेज मिले आई है आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हो, फिर बताऊँगा प्रोसेस। तो अब उसके लिए देख पा रहे हो एडमिशन नोटिस आपको देखने को मिल जा रही है PG और MBA कोर्सेज में 2021-23 के लिए। तो देख पा रहे हो आपको यहाँ पर नामांकन सूचना में पढ़ के बता दो पढ़ने को मिल जा रही है कि मौलाना मजरुल हक अरबिक फारसी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय पटना के यानी PG पाठ्यक्रम और MBA और MA इन इंग्लिश, उर्दू, अरेबियन, पर्सियन, इस्लामिक स्टडीज, एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन के साथ 2021-23 में नामांकन हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त है, तो 16 अगस्त आपसे आखिरी मौका है। आप मौलाना के यूनिवर्सिटी में आप चाहो PG करना ही MBA आपको करना था तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ने को जा रहा है कि अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करनी है, सबमिट करनी है एप्लीकेंट्स को, ऑनलाइन लिंक जो कि अवेलेबल है। ठीक है, आपको जो भी अलॉटेड किया गया यूजर ID पासवर्ड उसके द्वारा, और ऑन सबमिशन आपको एप्लीकेशन फॉर्म उसके लिए पेमेंट लिंक आपको, जैसे आप यानी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो आपके साथ वो पेमेंट लिंक आपको एक्टिविटी जनरेट किया जाएगा जो कि आपको 300 रुपये पे करने होंगे, वो भी ऑनलाइन पेमेंट। तो आपको देख पा रहे हैं एडमिशन के लिए आपको जो एडमिशन फी वो 300 रुपये लग रहे हैं आपके यहाँ पे PG के कोर्सेज में यानी MBA और MA में। एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम में कुछ जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे उन सारे स्टूडेंट्स को ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ साथ अपने फोटो कॉपीज, ठीक है, उसमें टूरिस्ट कलर्स, फोटोग्राफ्स और पेमेंट रिसिप्ट भी लानी है। अभी कोई क्वेरीज हो तो आप यहाँ आपको ईमेल भी करने को दिख रहे हो मौलाना का यहाँ पे गिवन है आपको, और चाहो तो मुझे भी आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपसे बताते हैं प्रोसेस पर, आपको यहाँ पर वेबसाइट पर यह ऑप्शन देखने को मिल जाएगी एडमिशन्स का। आपको इस पर जस्ट क्लिक करिएगा तो देख पा रहे हो आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए मिल जा रही है। ये कोर्स में भी एडमिशन चल रही है MBA में, जिसके लिए सबसे पहले बात करें एडमिशन तो लेना चाहते हो पर उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या वो तो देख लीजिए। तो उसके लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आना जरूरी है और ड्यूरेशन 2 साल का ये कोर्स होगा MBA का आपका। और देख पा रहे PG करना चाहो तो इन सारे कोर्सेज में कर सकते हो, जैसे ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स आना जरूरी है, 2 साल का होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन में कर सकते हो, 45% के साथ 2 साल का होगा। तो मेरे फिर चलिए बताते हैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मैंने आपको बता दी कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या रहनी चाहिए आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। आपको अप्लाई कैसे करनी है, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक बार आपको रिफ्रेश करनी होगी, वेबसाइट पर आ जाइए मेन वेबसाइट पर। और रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर देख पाए हो जस्ट यहाँ पे भी आएगी अपडेट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करनी होगी प्लीज़ क्लिक हियर फॉर अप्लाई फॉर PG। तो मैं क्या करूँगी, जो वेबसाइट डाटा अप्लाई करने के लिए लिंक मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, और जो मैंने आज नोटिफिकेशन बताया आपको पढ़ के एडमिशन का उसे आप पढ़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जो उसके अपने टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल का बॉक्स उसमें जाइए, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, तो जुड़ जाइए। तो देख पा आपको पढ़ने को मिल जा रहा है यहाँ पर PG MBA ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2021-23 का, जिसके लिए खुल चुका है। तो सिंपल प्रोसेस क्या है, आप सिंपल प्रोसेस समझ लीजिए। स्टेप को किस तरह से अप्लाई करनी, जो न्यू कैंडिडेट है आपको एप्लीकेशन फॉर्म एक भरना होगा, ठीक है, फिर आपको अपने स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फी पे करना होगा, फिर उस एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना होगा। तो देख पा रहे आपको कैसे अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
तो मैं सबसे पहले मैं चलिए इस वेबसाइट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सूरत मैं क्या करूँगा इस वेबसाइट का टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो अपने टेलीग्राम चैनल पर हमसे ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप कर भी लेना चाहते हैं इस मौलाना मुजफ्फर कर भी पर्स यूनिवर्सिटी में अपने पीजी और एमबीए के कोर्सेज में, तो चलो यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन आपको ऑप्शन मिल जाता है, फटाफट इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक बार आपको इस तरह कुछ वेबसाइट खुल देखने को मिल जाता है। कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शन देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स की वेबसाइट ठीक है और एलिजिबिलिटी फ़ी क्या है वो तो मैंने आपको बताई देती उस पर लग रही है। स्टेप्स एक बार दोबारा से मिल जाए आपको, बस एप्लीकेशन फॉर्म को भरनी है और भरिएगा तो आपको उसे एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। फिर अपना स्कैन इमेजेस और फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, जिसमें बात करें आपको जो स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर वो अपलोड करनी होगी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही सिर्फ, और साइज जो फोटो का इमेज का होगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और साइज जो सिग्नेचर का होगा वो भी 10 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। उसे अपलोड करिए, और आपको किस तरह से रिसाइज करना है आपको रिसाइज करने नहीं आता है तो हमारे वीडियो के कमेंट से कमेंट कर दीजिएगा, इस पर फुल ट्यूटोरियल आपको अगला हम बहुत ही जल्द देंगे। अब देखो आगे क्या करना है, एप्लीकेशन फी को आपको पेमेंट करने जो 300 रुपये लग रहा है वो आप नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड यूपीआई वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया उसे प्रिंट करा लीजिए और बस फिर उसको अपने पास अच्छे से रखिए, फिर आपको मोबाइल नंबर कन्फर्म कर दिया जाएगा और उसको आपको मेल आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, आई हैव रीच, मैंने ये सारा पढ़ लिया, प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिए। तो वैसे क्लिक करिएगा यहाँ पर तो देख पर आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है वो कोर्स ऐसे चुन लीजिए। आप एमबीए करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी से, पीजी करना है कि पीजी सेमेस्टर वाला करना है कि पीजी सीबीसीएस वाला करना है, एमबीए करना है ना तो एमबीए करिए के लिए अप्लाई करेंगे, पीजी करना है तो पीजी के लिए अप्लाई करिए सेमेस्टर सिस्टम वाला, ठीक है। अब डिपार्टमेंट क्या है, पीजी किससे करना है तो एमएन एजुकेशन से कर सकते हैं, या तो इसमें देखो कौन सा कोर्सेज आ रहा है, पीजी सीबीसीएस अगर आप चुनेंगे तो आप पीजी कर सकते हो ये सारे कोर्सेज में से, ठीक है। आप किसी इसमें कोर्स में से पीजी करना है आप कर सकते हैं, या एमबीए करना है बेसिकली तो एमबीए कर लीजिए, जिसके लिए आपको ये करना होगा अपना नाम जान लीजिए, डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिए, अपना जेंडर यहाँ से चूज़ कर लीजिए आपका जो भी जेंडर हुआ, ठीक है, मोबाइल नंबर डालिए और ईमेल आईडी जो आपका कंफर्म हो जो आपका वैलिड हो वही डालिएगा, फिर उस पर आपको ओटीपी आएगा वेरीफाई करेगा, यहाँ पर सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है नीचे ना वो डाल लीजिए, डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करिए। फिर आपको कुछ फोटोग्राफ्स अपने और फोटो, ठीक, फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे जैसे कि मैंने वीडियो को शुरुआत में बताया। फिर आपको क्या होगा, अब जैसे ही भरिएगा तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, फिर उस एप्लीकेशन में वो क्या करना मैं आगे बताता हूँ। तो उसके लिए आपको देख पा रहा मैं होम पर आया तो आपने अप्लाई अपनी ये सारे प्रोसेस तो कर लिया, ठीक है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज भी कर दिया यानी एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट भी कर दिया 300 रुपये, आपने अपलोड कर दिया स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर और एप्लीकेशन को प्रिंट करा लिए। अब देखो आपको लॉगिन यहाँ से कर लेनी होगी, जिसके लिए आप जैसे फॉर्म भरे होंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गया होगा, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल लीजिए, सिक्योरिटी पिन, इंडिया सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करिए, करिएगा तो आपका पोर्टल इस मौलाना यूनिवर्सिटी के पर डायरेक्टली खुल जाएगा। और ये किन्हीं को अगर भरने में फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो परेशानी हो तो डोंट बी वरी, आपके पास कोई साधन ना हो पीसी लैपटॉप कैसे भरोगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, आप मुझसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर कॉन्टैक्ट करिए, मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा, जिस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे अपनी डिटेल सेंड करिए, हम आपका एडमिशन फॉर्म खुद भरेंगे, जिसका आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। तो माय डियर फ्रेंड ये थे आज के फुल वीडियो ट्यूटोरियल आपके मौलाना मजरूहल अकरबी पारसी यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन को लेकर के मैंने पूरी जानकारी आपको स्क्रीन में दे दी, तो किन्हीं को फिर भी कोई डाउट हो तो हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दे। तो आज के इसमें इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।